जिसे हिम्मत से जीने का करीना हो, जिसे धूप में रहने का सलीका हो, करते हैं शुक्रिया उन हाथों का जिसके माथे पर मेहनत का पसीना हो। ए मेहनत कशों, वतन को तुम पर नाज है। यकम मई शिकागो के मजदूरों के साथ यकजहती और उनकी जद्दोजहद की याद में मनाया जाता है। इस दिन का मकसद मजदूरों के मसाइल को उजागर करना है। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं, लेकिन इन सबसे बेपरवाह मजदूर जिस्म और रूह का ताल्लुक बरकरार रखने के लिए मेहनत करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं कराची से उरूज रिजवी की इस रिपोर्ट में। यकम मई मजदूरों का आलमी दिन। दुनिया भर में मजदूरों के नाम पर छुट्टी मनाई जा रही है, लेकिन बर्तन बनाने वाले अब्दुल लतीफ तकरीरों और रैलियों के शोर से बेपरवाह अपने काम में मसरूफ है। अब्दुल लतीफ कहते हैं, मजदूरी करते हैं तो घर चलता है, हमें क्या पता छुट्टी और मजदूरों के हुकूक क्या हैं। अभी हमारा जो डेट चल रहा है ना, हमें पता है, अल्लाह को पता है, तो गवर्नमेंट ने ऐसा हमारा कोई ताल्लुका नहीं रखा, हमारे पास कोई मदद नहीं की उन्होंने। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले मोहम्मद सलीम का कहना है, एक दिन छुट्टी करें तो परेशान हो जाते हैं। मजदूर डे वाली जो छुट्टी है वो गवर्नमेंट अपने लिए करती है ना, उनको तो तनख्वाह मिल जाती है। मजदूरों को कुछ ना कुछ ऐसी फैसिलिटी दो जो मजदूर बेचारे छुट्टी भी कर सके। अभी इसमें छुट्टी ये ईद के अंदर दो तीन दिन छुट्टी की है, बेचारे मायूस हो गए। बोझ कांधों से कम करो साहब, फकत दिन मनाने से कुछ नहीं होता। शदीद सर्दी हो या शदीद गर्मी, मजदूर बरादरी की कोई छुट्टी नहीं होती। इनका यही मुतालबा है कि हुकूमत मजदूर डे बनाने से बेहतर है इनके लिए कोई इकदामात किए जाएं। कैमरामैन हमीदुल्ला के साथ उरूज रिजवी, आज न्यूज़ कराची।